सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, Redmi की नोट 11 सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हाइप हो चुका है और इसके दो स्मार्टफोन की पहले हमने बात की थी, जिसमें Redmi नोट 11 और नोट 11 प्रो था। एंड ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अब हम बात करेंगे Redmi की नोट 11 प्रो प्लस के बारे में, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा इस सीरीज़ में और इसकी काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। तो आज इस वाली वीडियो में Redmi नोट 11 प्रो प्लस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही टेक वीडियो आपको फ्यूचर में दे सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको MediaTek Dimensity 1200 का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दे देगा। एंड ऑलरेडी ये चिपसेट आप कई सारे स्मार्टफोन में देख चुके हैं, जो कि स्नैपड्रैगन 870 को भी काफ़ी कड़ी टक्कर देता है। और स्टोरेज यहाँ पर आपको 8128 एंड 8256GB तक का अप टू टॉप एंड वेरियंट देखने को मिलने वाला है। LPDDR4X रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट दिया जाएगा। और इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा, तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगा, जहाँ पर डिस्प्ले का साइज 6.67 इंच का होगा, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज Redmi के एमोलेड पैनल काफ़ी अच्छे रहते हैं। प्लस यहाँ पर एक सिंगल पंच होल जो कि टॉप सेंटर में होगा, जिसके अंदर 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। चलिए और बात करते हैं इसके रियर कैमरे के बारे में। तो इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा 108MP का होगा, जिसमें सैमसंग HM2 सेंसर यूज़ किया जाएगा, प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, प्लस 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैमरा सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और चार्जिंग के लिए 120 वाट तक का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। बेसिक फीचर की बात करते हैं तो इसमें आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर, टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, JBL के डुअल स्टीरियो स्पीकर, ब्लूटूथ 5.2 और NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन 28 अक्टूबर को चाइना मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इंडिया में ये 1 मंथ या फिर 2 मंथ के बाद देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 20,000 से लेकर 22,000 तक देखने को मिल सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, ये स्मार्टफोन की प्राइस कितनी हो सकती है और कब तक इंडिया में देखने को मिल सकता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। क्या आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं? इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।